दोस्तों मेरे चैनल सीएनसी बेसिक को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको सही समय पर मिल सके वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव। आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको चैम्फर के लिए मैंने एंगल निकालने का बताया कि एंगल हम किस हिसाब से एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। जो ड्राइंग में हमने एंगल मिला हुआ है वो एंगल ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम में जो एंगल ड्राइंग पे लिखा हुआ है वो उठाया और डाल दिया हमने, ऐसा नहीं होता। वो आप देख चुके हैं पहले पहले वाले वीडियो में। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और आज जो है ना उसमें हम चैम्फर लगाएंगे, ठीक है ना, एंगल डाल के लगाएंगे। और जो दो तरीके बताए थे मैंने सी से आपको, और एक बताया था एक्स और जेड की वैल्यू डाल के, एंगल नहीं डालेंगे, एक्स और जेड लिखेंगे, चैम्फर लग जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले बता दूं मैं आपको। आज ये मेरा ये मानना है कि अगर ये चीज आपके समझ में आ गया ना आज, तो आप जो है ना सीएनसी प्रोग्रामिंग जो है ना 50% सीख जाओगे। जी हाँ, 50%, 50, क्योंकि यही चीज है, यही चीज समझ में नहीं आता और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आगे, तो इसको समझो आप, ठीक है ना। इसे बार बार समझना, आगे में पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो मैं आगे और बनाऊंगा वीडियो इसी चीज के ऊपर, ठीक है, दो तीन वीडियो और बनाऊंगा इसी चीज के ऊपर, तो इसे आप बढ़िया से समझिए आप। अब हमें आज चैम्फर लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डालेंगे हम प्रोग्राम नंबर 01267, सीक्वेंस नंबर, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, होम कर लेंगे हम अपने एक्सिस को, एक्स और जेड एक्सिस को, ओके। अब हम टूल कॉल करेंगे अपना, अब चक्के को घुमाएंगे हम, जिन भाइयों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है और सीधा आज ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मेरे किसी भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से देखिए, वन से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप मेरे इस वाले वीडियो पे आइए, तो आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आ जाएगा, ओके। अब हमने टूल कॉल कर लिया, हमने स्पैंडल आरपीएम घुमा लिए अपने, ठीक है ना। अब हम टूल को मूवमेंट करेंगे, टूल को मूव करेंगे, अब रैपिड में लेके आएंगे टूल को हम, फिफ्टी था मैंने कहा था, जो भी डायमीटर डायमीटर से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो 50 है तो हम इसे 53 पे खड़ा कर लेंगे, ये फेस मैंने आपको बताया था कि ये फेस हम हमेशा हमारा Z0.00 होता है, ठीक है ना। तो ये Z0.00 है, ये डाया 50 था तो डाया हमने 53 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी कटिंग की जो चाल है वो हमारी मूवमेंट जो है नीचे को, टूल हमारा यहाँ यहाँ आएगा काटने के लिए, इसको नीचे की साइड आएगा। तो अब लीनियर में हम लिख देंगे यहाँ पे G01X0.00 feed 0.24, ठीक है, यहाँ सेंटर तक आएगा टूल हमारा, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, काफी अच्छा डिटेल दिया था मैंने आपको कि सेंटर तक टूल आएगा हमारा, तो हमारा सारा माल कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ गया। अब हमें, मैंने बोला था कंटिन्यूस कट, जो सी से हम चैम्फर लगाते हैं वो हम कंटिन्यूस कट पे लगाते हैं। कंटिन्यूस कट क्या, कि टूल चलता हुआ जा रहा, चलता हुआ जा रहा, सी लिख दिया वहां लग गया, ठीक है ना, फिर आगे को जा रहा वहां सी लिख दिया वहां लग गया, कंटिन्यूस कट ये होता है। जैसे एक ड्राइंग बना देता हूं, सिंपली समझ लीजिएगा आप यहां पे, जैसे ये है, ठीक है ना, मुझे यहां पे भी चैम्फर चाहिए, मुझे यहां पे भी चैम्फर चाहिए, मुझे यहां पे भी चैम्फर चाहिए, तो टूल जब मेरा इस डाई पे जाएगा तो मैं यहां सी लिख दूंगा, ठीक है।
अब ये डाया भी लिख देता हूं मैं, ये डाया जो है मेरा मान लीजिए 10 है, ये डाया मेरा 40 है, ये डाया मेरा 90 है, ठीक है ना। तो यहां पे चैम्फर लिखने के लिए क्या होगा, टूल है ये टूल है, ये टूल सेंटर से ऊपर जाएगा, तो मैं लिख दूंगा यहां पे वैल्यू एक्स 10.00 सी चैम्फर कितना एमएम, 1 mm का, G01, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो ना, यहां पे फीड लगा लीजिए यहां पे, और फिर कंफ्यूज हो जाएगा आप। फीड 0.1, अब ये चैम्फर लग गया ना हमारा, कंटिन्यूस कट है, टूल हमारा सेंटर पे आया था, फिर ऐसे उठता हुआ गया, यहां पे हमने सी लिख दिया, चैम्फर लग गया। अब ये हमें क्या है, ये यहां पे जड़ में जाएगा, माइनस जड़ की वैल्यू लिख देते हैं यहां पे, जड़ में लिख देंगे हम, ये 10 ही है हमारा, ये हमारा 30 है, ये हमारा 20 है, ठीक है। अब इसके बाद ये जड़ में जाएगा माइनस में, जड़ माइनस 10 mm, ये कंटिन्यूस कट है, टूल हट नहीं रहा, टूल बिल्कुल कंटिन्यूस चल रहा, पहले ऐसे आया, पहले यहां पहुंचा, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, अब जब ये ऊपर को जा रहा है कंटिन्यूस कट, C1.00 फीड 0.2 कंटिन्यूस कट, टूल हटा नहीं कहीं से, रिट्रैक्शन नहीं है, टूल कहीं हटके पीछे नहीं जा रहा, टूल बिल्कुल जब चलना चालू हुआ तो बिल्कुल चलते जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, हटेगा नहीं कहीं भी, अगर हटके चलेगा तो सी काम नहीं करेगा वहां पे, सी से चैम्फर कभी जिंदगी में नहीं लगने वाला, सी से चैम्फर तभी लगेगा जब कंटिन्यूस कट होगा। जैसे यहां से उठा, यहां चैम्फर लगा, यहां गया, यहां चैम्फर लिख दिया मैंने X40C1, अरे फिर जेड में माइनस में चलेगा, ये जेड माइनस ये 30 और ये 10 दोनों को ऐड करेंगे, जेड माइनस 40, ठीक है। अब ये 90 पर पहुंचेंगे, अब हम लिखेंगे एक्स 90.00 सी, यहां 2 mm का चैम्फर लगा लो 1 mm की जगह, सी 2.00 फीट 0.1 कंटिन्यूस कट हुआ। देखा आपने कि टूल जो है यहां से चिपक के जा रहा है ऐसे करके, फिर यहां चैम्फर लगा, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर को गया, फिर यहां चैम्फर लग गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर को गया, फिर यहां चैम्फर लग गया, टूल हट नहीं रहा कहीं से, ऐसा नहीं है कट के फिर G0 में हट गया, फिर चल रहा है फिर G0 में हट गया, ठीक है ना। मतलब कंटिन्यूस चलना चाहिए, पाथ पे बिल्कुल कंटिन्यूस चलता हुआ जा रहा है, तो वहां पे सी से चैम्फर लग जाएगा आपका, पीछे हटा के सी की वैल्यू कहीं भी लिखेंगे तो चैम्फर नहीं लगने वाला। दोस्तों हर चीज प्रैक्टिस से आती है, ठीक है ना, अभी हम केवल बोर्ड पे समझ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे, जब मशीन पे जाएंगे तो काफी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और एक दो वीडियो देख के ये नहीं है कि आप सब कुछ सीख जाएंगे, धीरे 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 आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा या थ्योरी भी करवाऊंगा, फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। कंपोनेंट बनाएंगे ना हम सी की वैल्यू डाल के, तब वहां पे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे मिटा देता हूं, अब देखिए ये एक्स 0.00 पर कट लेके आया, ये कट लेके आया, ये यहां से चला और यहां सेंटर पे आ गया, ठीक है ना। अब मैंने फिर समझाया था कि इस कंपोनेंट को, ये एक राउंड पीस है, ठीक है ना या आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया, ये राउंड पीस है, पूरा एक सॉलिड पीस है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे करके इस पीस को उठा के अगर इसको ऐसे उठा के रख दूंगा तो ये फेस हो गया सामने वाला। अब मैं इसको उठा के ना इसका फेस रख दे रहा हूं सामने ऐसे करके, पहले भी बताया था समझाने को, कई बार होता क्या जो प्रैक्टिकल मशीन पे देखा नहीं होता ना तो समझ में नहीं आता कॉपी पे,
ऐसा लगता है कि ऐसा काटने से ऐसा कैसे कट जाएगा, लेकिन डायमीटर जब हमारा चक्के में घूमता है ना पीस, तो कट एक साइड से लगेगा तो डायमीटर में इफेक्ट आता है उसका, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अब ये 1 mm कट लग गया, जैसे अंदर को गया टूल, ये टूल है हमारा, ये टूल है, और ये मैंने कंपोनेंट को फेस कर दिया सामने, फेस आ गया आपका। अब ये कंपोनेंट का टूल जो खिसक के यहां आएगा और चक्का हमारा गोल घूम रहा है, तो क्या कट इतने पे आ जाएगा पूरे पे, ये जितने पे मैंने पैन चला दिया ना सारे पे कट आ जाएगा ये। फिर टूल यहां से खिसक के यहां पहुंच गया, तो ये चक्का गोल गोल घूम रहा था, फिर क्या होगा, ये सारे पे कट आ जाएगा। तो यही चीज समझना है हमको यहां पे कि जब एक्स एक्सिस में टूल 1 mm मूव करेगा तो डायमीटर पे कितना फर्क पड़ेगा, डबल का इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। और जेड में क्या आएगा, जेड में खिसकेगा तो जेड में तो सिंगल ही इफेक्ट आएगा। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं उसे समझाने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये समझ में आ जाएगा तो आप समझ लीजिए, सब समझ में आ गया आपको। डायग्राम बाद में बनाएंगे, मतलब यहां से शुरू करते हैं इसको। ये X0 है, अब टूल क्या है, टूल हमारा यहां पे आ गया इस जगह पे, ठीक है ना। अब टूल जब यहां वापस आ गया तो अब मैंने बोला ना कंटिन्यूअस कट पे सी लगेगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस कट, टूल हटेगा नहीं अभी भी, G01 में पहले था, अब G01 में अभी भी जा रहा है। अगर G00 लग गया तो सी खत्म आपका, सी से चैम्फर नहीं लगने वाला आपका, ओके, कंटिन्यूअस कट पे लगेगा चैम्फर। अब G01 है, अब हम उठाते हैं एक्स, ठीक है, डिफॉल्ट ले लेगा G01, यहां पे नहीं भी लिखेंगे, बताया था पहले, एक्स 50 डायमीटर 50.00, ठीक है, यहां लिख दिया सी 1.00 फीट 0.2, ठीक है ना, एक्स 50.00 सी 1.0 फीट 0.2, चैम्फर लग गया 50 मिनट आए पर चैम्फर लग जाएगा केवल सी लिखने से। और फिर हमें ये 40 mm टर्न करना है, तो अब हम लिख देंगे जेड माइनस 40, हमारा काम खत्म हो गया। G28 यू 0.00 डब्ल्यू 0.00, ठीक है, M05 प्रोग्राम स्टॉप एंड रिसेट, M02 प्रोग्राम स्टॉप एंड रिसेट, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। स्पैंडल भी रोक लिया हमने, प्रोग्राम भी स्टॉप हो गया, रिसेट हो गया हमारा यहाँ पे, टूल हमने होम कर लिया, अपने एक्स और जेड एक्सिस होम कर लिया हमने यहाँ पे, ये पूरा खत्म हो गया। ये सी से है चैम्फर लगाने का तरीका, ठीक है ना, तो ये आपको सी से चैम्फर लगाना आ गया है, ठीक है ना। अब हमने सी से चैम्फर लगाया दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंगल से चैम्फर लगाने का, ठीक है ना। अब ये वीडियो आपको समझ में, ये वीडियो बनाया आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने सी से चैम्फर कैसे लगाया, कंटिन्यूअस कट याद रखना हमेशा, कंटिन्यूअस कट में ही सी का यूज होगा। अगर G0 लगा के हटा के फिर सी लगाओगे ना, सी लिखोगे नहीं चलने वाली मशीन, फिर आप परेशान हो जाओगे मशीन चल क्यों नहीं रही, हमें तो ऐसे ऐसा बताया था कि सी से चैम्फर लग जाएगा, लग नहीं रहा सर चैम्फर, चैम्फर लगेगा कंटिन्यूअस कट पे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप, थैंक यू सो मच।